हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये टूटा वाला मंगलसूत्र किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनार की दुकान पे से ये मंगलसूत्र वाली सुई लेंगे। ये बहुत ही सस्ती आती है, 10 की 3 आती है ये सुई। तो मैं ये 3 सुई लेके आई हूँ। और एक धागा, 2 रुपए का धागा आ जाता है, ये मंगलसूत्र का धागा है। अगर आपके ये वाले मोती खो गए हैं जो सोने के, देखो दोनों तरफ लगे हुए हैं सोने के मोती के, तो ये वाले आपके खो गए हैं तो ये भी बहुत सस्ते आ जाते हैं। ये मैंने मंगाए हैं, देखो ये 1 रुपया का 1 मोती आता है। अगर ये छोटे वाले भी आपके मोती खो गए हैं तो ये भी बहुत सस्ती माला आ जाती है, एक सादा माला आती है बहुत सस्ती। अगर आप इसे सुनार पे मतलब बनवाएंगी तो आपके इस मंगलसूत्र के बनाने के 100-150 रुपये आराम से ले लेगा। मगर आप घर पे ही बनाएंगी मेरी तरह तो आपके 10-15 रुपये में बनके मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये मंगलसूत्र बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये मैं इसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें से एक लड़ी टूट गई है, इस मंगलसूत्र में से थोड़ा सा धागा हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने धागा कट कर लिया है। अब इसके हम अंटे खोलेंगे और इसमें से 2 धागे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से 1 धागा निकाल लेते हैं हम। तो देखिए इस तरीके से हम 1 धागे में से धागा खींच लेंगे। देखो ये मैंने 1 में से 2 धागे कर लिए हैं। तो अब हम जो हम सुई लेके आए थे उसमें डालेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये सुई में से निकल जाता है। अब इस दोनों में हम नॉट लगा देते हैं। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे नॉट लगा दी है। अब इसे थोड़ा सा हम कट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा छोड़कर। देखो अब इस नॉट को हम बीच में ले लेंगे यहाँ पर, ये देखो। तो ऐसे ही बाकी सुइयों में भी 2 में हम इसी तरीके से धागा पहले लगा लेते हैं। अब जो हम धागे में अपना मंगलसूत्र बनाएंगे उस धागे को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, यानी 3 लड़ियां एक जैसी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से और यहाँ तक 3 हिस्से कर लिए।
तो अब क्या करेंगे, अपनी सुइयों को इस तरीके से अंटा देकर फिर दोबारा से मोती लगाएंगे इसमें, थोड़े से अंटे लगाकर। तो इसी तरीके से बाकी मोतियों को भी हम लगा लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से मंगलसूत्र बनाने का, तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक ये इसमें मोती डाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, पीछे के हिस्से का मैंने एक जल्लर यानी एक लर रहने दिए। देखो ये पीछे की नार का हिस्सा है, तो इसे हम इससे नाप कर लेंगे तब इसे कट करेंगे। तो देखिए मेरी बराबर है ये पीछे की जंजीर। तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि अब हमें ये मोती लगाने हैं सोने वाले। तो सोने की मोती को लगाएंगे तो पहले इसे हम कट कर देंगे। अब इसमें थोड़े से हम पहले अंटे लगाएंगे, तो अंटे हम इस तरीके से लगाएंगे, ये वाली सुई इधर की साइड में रखी और ये वाली सुई इधर की साइड में, फिर ये वाली इधर की साइड में, और ये ऐसे ही थोड़े से इसमें अंटे लगा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हम तीनों फंदों में यानी तीनों धागों में इस तरीके से नॉट लगा देते हैं। देखिए मैंने एक नॉट लगा दी है। अब हम फिर से ऐसे ही धागा लेंगे और जैसे हमने यहाँ पे नॉट लगाकर ये मंगलसूत्र बनाया है, ऐसे ही इधर की साइड में भी बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हम नॉट लगाएंगे, अभी मैंने आपको लगाकर दिखाई थी, सेम उसी तरीके से चार पांच नॉट लगाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हम इन्हें भी पिलगाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने इधर की साइड में ये दोनों धागों में आपस में नॉट लगाएंगे। अगर आप सिर्फ एक धागे से इसे पूरा बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। यहाँ से धागा लगाएंगे यहाँ से, और पूरी एक यानी तीन धागों से ही बना सकती हैं। यहाँ पे फिर दोबारा से नॉट लग जाएगी, देखिए। मगर मैं पीछे भी नॉट लगा रही हूँ इसलिए कि एक जो धागा हम लेके बनाते हैं तो अगर एक धागा यहाँ से निकल जाए यानी टूट जाए तो मोती खोने का डर रहता है, इसलिए मैंने ये अलग अलग धागों में बनाई है। यहाँ पीछे कस के नॉट लगा देंगे। अगर आपके पास पेच हो यहाँ पे लगाने वाला, जो अक्सर करके जंजीरों में लगा रहता है इस टाइप का, ये वाला पेच हो आपके पास, तो वो भी आप लगा सकती हैं।
मगर ये मंगलसूत्र है, मैं इसमें कोई पेच नहीं लगा रही हूँ, सादा इसमें नोट लगाऊंगी बस। तो यहाँ पे कस के पहले नोट लगाएंगे सभी धागों में। तो देखिए मैंने इसमें नोट लगा दी है। अब हम धागे को थोड़ी दूर से कट कर देंगे। देखिए मैंने ये कट कर दिया है यहाँ पे। और माचिस की तिल्ली लेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा पिघला देंगे, अच्छे से पिघलाएंगे, नहीं तो हमारा सारा मंगलसूत्र खराब हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा मंगलसूत्र बनके तैयार है।